हेलो एंड गुड इवनिंग, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबको पता है आज का सेशन, सैटरडे का सेशन हमारा कम्युनिकेशन पे होता है। सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आ जाए तो हम आज का सेशन शुरू करें। द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत ही अच्छा मंच हमें मिल रहा है बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि इसका सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं तो आई थिंक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी टू गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एनी वेयर और एनी टाइम। या तो आपको कई सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, या फिर आपको प्रैक्टिकली लाइफ में स्ट्रगल करके, प्रॉब्लम्स में पढ़ के, प्रॉब्लम्स से सीखना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म एंड गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट, राइट? सो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इसके लिए। लेट मी आई एम वेटिंग। एंड उससे पहले, मीनवाइल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। मैं एक ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर, जिसका बेसिक काम होता है वो स्किल्स इम्पार्ट करवाना एम्प्लॉयज़ के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर, जब वो कॉलेज से निकल के जॉब करने की दुनिया में, नौकरी करने की दुनिया की तरफ कदम रखते हैं, उन्हें वो स्किल्स प्रोवाइड करना जो शायद उनमें नहीं है या जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, एंड आई हैव अ बिग टीम जो इस पर काम करती है। इसके अलावा आई ऑल्सो हेल्प, मैं उन लोगों की भी मदद करती हूँ जो अपनी ग्रेजुएशन या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं। दिस इज रियली अ बिग टास्क, और मैं ये सब कुछ एक फर्म के थ्रू करती हूँ। सो इट्स, आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, आई एम नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर समबडी। मेरा अपना फर्म है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि इस लंबे अपने इस काम के दौरान एक लंबी यात्रा भी तय की मैंने, जिसमें एक चीज़ समझ में आई मुझे कि हमारे देश में एजुकेशन तो सब देना चाहते हैं अपने बच्चों को, या सब लेना भी चाहते हैं, सब उसके लिए लाइक एक्टिव भी हैं। बट व्हाट आफ्टर द एजुकेशन? आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और उसके बाद अपनी फाइल विद डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप घूमते हो, and then you get rejected, और मेरे ख्याल से कई कई सारे इंटरव्यूज के बाद आपको कहीं एक सफलता मिलती है, शायद वो आपके मन मुताबिक नहीं होती। इसके पीछे कई कारण होते हैं, उसके बारे में हम बाद में कभी विस्तार से उस पर सेशन करेंगे और समझेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है। शायद उसके पीछे का कारण एक जो बड़ा है वो ये है कि आपने प्रॉपर काउंसलिंग करके सब्जेक्ट्स का चुनाव नहीं किया। आपने सोसाइटी के या पेरेंट्स के दबाव में आकर के कोई सब्जेक्ट चुन लिया, पढ़ लिया, एक एम बना लिया, और उसे पाने की जो जद्दोजहद थी उसके बीच में आप ये भूल गए कि आपको क्या करना पसंद है, आपका कहाँ मन लगता है, और आपको क्या करना चाहिए, और आपके अंदर कौन सी वो एक बड़ी एबिलिटी है जिसे आप अपना हथियार बना सकते हैं। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें बाद में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू समथिंग, आई नो समबडी जिसका बहुत ही मन लगता था लिखने में, ही वॉज अ राइटर। अब मैं अगर बचपन से बात करूँ तो वो स्टोरीज लिखता था, बोलता था, बातें करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स का दबाव था कि उसके कजन्स और उसकी फैमिली में सब इंजीनियर हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बट एक इंजीनियर का ठप्पा आप लगाओ। सो दे फोर्स देयर चाइल्ड, उन्होंने फोर्स किया अपने बच्चे को कि भाई आप इंजीनियर ही बनोगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 योर कजन्स आर इंजीनियर। ही ऑल्सो फोर्स हिमसेल्फ, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की जो इच्छा थी उसे पूरा करना था। सो ही सेलेक्टेड द सब्जेक्ट विच ही डोंट इवन लाइक टू यू नो स्टडी, देन ही फोर्स हिमसेल्फ टू, उसने अपने आप को फोर्स किया कि मैं इसे पढ़ूँ। समझ में आना नहीं आना एक अलग बात है, और
पढ़ के पास हो जाना और समझ के पास होना भी एक अलग बात है। वो इंजीनियर बन गया, उसने नौकरी भी कर ली, नौकरी में मन नहीं लगता था क्योंकि उसे किसी की बातें सुनना पसंद नहीं आ रहा है, उसके एक्स वाई जेड रीजंस उसने निकाल लिए कि उसे नौकरी पसंद नहीं है क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ही कहीं और था। एक टाइम आया जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया, ही स्टॉप्ड एवरीथिंग, ही स्टार्टेड राइटिंग, उसने सब कुछ बंद कर दिया, नौकरी छोड़ दी, घर में बैठ गया, पेरेंट्स को नहीं बताया, उसने लिखना शुरू किया और एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत ही अच्छा एडिटर बन गया एक न्यूज़पेपर में। हालांकि जो उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी और जो उसके अंदर की स्किल थी वो कहीं एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी, बट ही वॉज इंजॉइंग हिज लाइफ, ही इज इंजॉइंग वो अब अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। और दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप सही समय पे सही चुनाव या सही फैसला नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आगे आती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है हमारी सोसाइटी में? अगर मैं बताऊँ, हमने बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स किस चीज़ पर जोर देते हैं? पहले बच्चे को बोलना सिखाते हैं, जब बच्चा बोलने लगता है तो उसके पढ़ने और लिखने की कला पर ध्यान देते हैं, पढ़ो और लिखो, आपकी कम्युनिकेशन कहाँ जा रही है, आपको एटिकेट्स भी सिखाएंगे, बट देन दैट शुड कंबाइन इन अ पैकेज एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक और प्रेजेंट योर सेल्फ। वो कहीं पीछे छूट जाता है कॉम्पिटिशन में। वो कैसे? जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं और समझते हैं तो आप बहुत अच्छा एनालाइज कर सकते हैं और उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर ये चीज़ हमारे स्कूल्स, हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में गुम होती जा रही है और गुम होते होते एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अब नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई गो फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू भी देने जाऊँगा, कम से कम 50-60 इंटरव्यूज तो मैं ले लेता हूँ, पर उसके बाद मैं कहीं सेलेक्ट नहीं होता। सेलेक्ट होने में 6 महीने 1 साल लग जाते हैं और उसके बाद वो ज़रूरी नहीं कि मेरे चुनाव मेरे पसंद का जॉब। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी कम्युनिकेशन निभाती है। आई थिंक अब हमें अपना सेशन भी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ये लोग, कुछ लोग तो जुड़ ही गए हैं। तो जो आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, मैं चाहूंगी कि ये 2-वे कम्युनिकेशन हो। आप अपनी बात कहें, आपकी आवाज़ भी मुझ तक पहुंचे, आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न प्लीज़ लिखिए, कहिए, बताइए, और ऑफ कोर्स मैं तो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा ही रही हूँ। एक जो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इट कैन बी आप लिख करके, बोल करके, सुन के, सुना के, समझा के, इशारों में, बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन के, बहुत सारे तरीके हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि जब आप इन सब को कंबाइन करके कहीं प्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम किसी से मिलते हैं पहली बार, कभी उसके बारे में जाना नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अजनबी है, किसी मीटिंग में मिल लिए या किसी कॉलेज फीस्ट में मिल लिया आप, या फिर कहीं किसी के साथ किसी पार्टी में किसी गैदरिंग में गए हो और आप मिले। ऐसा होता है कई बार कि आप उसे देख रहे हो, आपने एक परसेप्शन बना लिया, ही लुक्स लाइक अ जेंटलमैन, वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से खड़ा है, बातें शायद किसी के साथ बात भी कर रहा है जो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा। सो इतनी देर में आपने एक परसेप्शन बना लिया दैट ही लुक्स लाइक अ जेंटलमैन एंड ही इज अ जेंटलमैन। बट जब आप उसके पास जाते हो और बात करते हो तो देन यू रियलाइज कि जो आपकी परसेप्शन थी वो शायद सच है या गलत है। परसेप्शन क्या होती है? जो आप अपने दिमाग में एक छवि बनाते हो किसी के लिए, उस परसेप्शन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। पहले आप किसी को भी सुनो, कहीं भी किसी भी कम्युनिकेशन का एक फर्स्ट पार्ट होता है लिसन, लिसन टू समबडी एंड देन अंडरस्टैंड, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक कपल आया, मैं ट्रेन की बात कर रही हूँ, ट्रेन में किसी स्टेशन पे एक कपल चढ़ा और अभी अच्छे, सिर्फ अच्छे वेल एजुकेटेड फैमिली से थे दोनों के पास 2-4
सामान भी ज्यादा था, लगेज था, तो दे गेट इन टू द ट्रेन एंड उन्होंने सोचा हम अपना सामान एडजस्ट करते हैं। जिस कोच में या जिस सीट पे वो बैठे थे उसके साथ वाली सीट पे कुछ दो बुजुर्ग थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे थे, दो बच्चे थे समझ लीजिए। बच्चे बहुत शरारती थे, कभी ऊपर चढ़ते थे, कभी नीचे आते थे, कभी किसी का सामान छोड़ाते थे, सॉरी सामान छेड़ते थे, कभी किसी का सामान इधर उधर कर देते थे, कोई सोया है तो उसकी जाके चादर हटाते थे, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी दे वर डूइंग। तो जब ये कपल आया, ये पहले देखते ही गुस्से में वो जो लाइक आईब्रोज ऐसे ग्रो अप हो गई एंड देन दे लुक्ड एट, इस तरह के बदतमीज बच्चे हैं ये यहाँ बैठे, इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, इनका गार्जियन कौन है? ये दो बुजुर्ग बैठे हैं। अब उन्होंने बुजुर्ग की तरफ देखा और कुछ कह दिया। अब संभाल नहीं सकते इन्हें, ये इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद उनके सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया देख करके ही कि ये बच्चे बहुत बदमाश हैं या वॉट एवर इट इज। फिर सेटल हुए, ट्रेन चल पड़ी, आगे बढ़े, आगे गए, थोड़ी देर बातचीत होने लग गई, तो वो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन बच्चों के, उनके थ्रू उन्हें पता चलता है कि ये बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और उनके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में मर गए, उनके माँ बाप किसी एक्सीडेंट में मर गए, इसलिए वो ग्रैंड पेरेंट्स इन बच्चों को अब घर लेके जा रहे हैं, अपने गांव लेके जा रहे हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो उनके दादा दादी हैं। अब उनकी जो भावनाएं थी वो टोटली चेंज हो गई। ये जो कपल था जो ये बातें कर रहा था, जिन्होंने कुछ उन्हें कह भी दिया था, सुझाव दे दिया था, इनकी पूरी भावनाएं चेंज हो गई, बिकॉज नाउ द परसेप्शन इज टोटली चेंज कि ग्रैंड पेरेंट्स उनको पैम्पर कर रहे हैं, इसलिए कि वो ये ना समझ पाए कि वो किस परिस्थिति में है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पर मेरे कहने का, इस स्टोरी का पूरा मकसद ये है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, चाहे वन वे हो या टू वे हो, जब आप किसी सिचुएशन में जाते हो, उसको पहले समझते हो, सुनते हो, देखते हो, एनालाइज करते हो, देन स्टार्ट योर व्यूज। आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को बहुत सलीके से, बहुत तरीके से सजा के बोल सकते हो। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, या लोग, अब मैंने क्या देखा है, अब सबने देखा है, दैट व्हाट हैपेंस इज इफ समबडी इज राइटिंग समथिंग, किसी ने अगर कुछ लिखा है कहीं पे भी, अपनी वॉल पे, किसी की वॉल पे, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। क्या पता उसने कहीं से कोई कोट पढ़ा हो, अच्छा लगा हो, उसने चिपका दिया अपने वॉल पे, या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसी भावना, कुछ ऐसी बात वो कहना चाहता हो, तो फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस बात का, इस बात में कितना वजन है, इसका वजूद क्या है, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि आप एक पूरी की पूरी परसेप्शन अपने दिमाग में बना लें कि दिस मैन इज सेइंग समथिंग अबाउट दिस विच आई एम नॉट लाइक, मतलब कोई ऐसी बात कह रहा है जो शायद मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके का एक्शन दूंगा। अब कम्युनिकेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, व्हेन यू टॉकिंग, आप किसी से भी बात कीजिए, आप जरूरी नहीं कि आप किसी इंटरव्यू में या किसी से बात कर रहे हैं या किसी की विचार सुन रहे हैं तो आपके विचारों की सहमति हो, सो उस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्युनिकेशन विदाउट एक्सेप्टेंस इज दैट, मतलब कम्युनिकेशन, आप किसी से संवाद कर रहे हैं और संवाद में आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, तो वो नेगेटिव हो जाती है, टोटली नेगेटिव हो जाती है। कैसे? अब आप एक सिचुएशन ले लीजिए, जिसमें मैंने अभी आपको जो स्टोरी सुनाई, उस सिचुएशन में जब वो कपल एंटर करता है, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता कि बच्चों को डिसिप्लिन होना चाहिए, ये उसकी सोच है, बट यूनिवर्सल ट्रुथ तो ये है कि बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बच्चों की शरारत, मतलब बच्चा प्लस शरारत इज इक्वल टू बचपन, तो अगर बच्चों के अंदर शरारत नहीं होगी, अगर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया होता कि अरे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। एक बच्चा, अगर 7-8 साल का बच्चा भी चुपचाप कहीं किसी कॉर्नर में बैठा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना कि भैया बच्चा इतना शांत क्यों है, सब ठीक तो है।
पहले आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशन हमेशा आपके हिसाब से नहीं होगी। जब आप एक्सेप्ट करते हो सिचुएशन को, एनालाइज करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो, एंड देन यू आर टॉकिंग समथिंग, जब तब आप बात करते हो तो वो एक सेंसिबल बात निकलती है। अच्छा, उसमें इमोशंस भी नहीं होने चाहिए। इमोशंस एज इन, जैसे वो कपल ने अपने इमोशंस तुरंत जाहिर कर दिए, सिचुएशन को समझे बिना ही, सो इमोशंस भी नहीं होने चाहिए। इमोशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एक्सेप्टेंस। आप पहले एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को, उसे एक्सेप्टेंस के बाद अकॉर्डिंगली इमोशंस आने चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। तो कम्युनिकेशन विदाउट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, मतलब कम्युनिकेशन जिसमें आपने परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया, तो वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाएगी। जब आप एक बिना स्वीकारे परिस्थिति को एक परसेप्शन पे आकर के आप किसी भी कम्युनिकेशन में एंटर कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको और एक बात बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप कहीं बैठे हैं, मैं आप, क्योंकि इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो भाषा समझ आती है वो पॉलिटिकल भाषा समझ आती है, तो मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में या पॉलिटिक्स का एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप ABC पार्टी को फॉलो करते हैं। अब ABC पार्टी का वजूद क्या होगा जब तक दूसरे XYZ या GHF पार्टी ना हो? नहीं होगा। एक मोनोपोली तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक ढांचे में हमारे पास बहुत सारी पार्टियां होंगी, तभी ही आपकी पार्टी का भी वजूद है। तो आप फॉलोअर हो ABC के। अब हमारे पास एक XYZ है और एक GHF वाली पार्टी है। अब हम चार, तीन लोग बैठे हैं, तीनों अलग अलग पार्टी से हैं ना। यू एंटर इन टू द कम्युनिकेशन, आप इस संवाद में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छा मंच है जहां पर आप ये बात कर सकते हैं। अब आप इसमें एंटर कर गए क्योंकि सामने वाला XYZ पार्टी का है और GHF पार्टी का है, तो वो कुछ भी बोलेगा तो आप अपोज करोगे। दैट इज नॉट, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। पहले आप समझिए, आप यहाँ एक टॉपिक पे बात करने बैठे हैं, लोकतंत्र, ठीक है? तो आप लोकतंत्र पे बात करने बैठे, तो वो तीनों भी तो लोकतंत्र का ही हिस्सा है, वो तीनों भी लोकतंत्र के ढांचे को ही सुधारने के लिए बैठे हैं। अब आपने इस बात को समझ लिया? जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप उसकी भी बात सुनेंगे और उसकी भी बात सुनेंगे। हो सकता है जाने अनजाने वो आपको अच्छी बात सिखा जाए उसके बाद उसकी, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी हर बात आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस के बाद आपको जो चेंजेबल है, जो सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो, वो भी करना है, वो बहुत ज़रूरी है। आप कुछ और बात करना चाहते थे लेकिन उन्होंने जो बात कही वो भी लोकतांत्रिक हिसाब से है, तो आप उसमें सकारात्मक चेंज ले आकर के उस कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे जो मेरे कहने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप जब भी किसी भी कम्युनिकेशन में एंटर कीजिए, पहले उस सिचुएशन को समझिए, बिना परसेप्शन बनाए उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद अपनी बात कहिए। अब आप इस पे अगर आपके सवाल हैं तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज जो सब दूसरा इम्पोर्टेंट, पहले उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। हमने शायद बात यहीं से शुरू की थी कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस मतलब महत्व क्या है। एक एग्जाम्पल से इसकी भी बात कहना चाहूंगी मैं कि बहुत बड़ी भीड़ है, वो भीड़ वहां क्यों खड़ी है, वो भीड़ वहां क्या कर रही है और उस भीड़ का मकसद क्या है, वो तब तक सामने नहीं आता है जब तक कोई एक खड़ा होकर के पूरे मकसद को क्लियर नहीं करता। वो जो खड़े होकर के, सामने खड़े होकर के बोल रहा है, उसके अंदर शायद वो कम्युनिकेशन एटिकेट्स हैं, वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि वी ऑल, हम सब यहाँ पर किसी एक रीजन से हैं, दैट रीजन इज दिस ABC। तो जब तक कम्युनिकेशन का एक चैनल नहीं बनता है तब तक कोई इस समाज में कोई भी बात पॉसिबल नहीं हो सकती है। किसी भी चीज का कोई स्कोप नहीं है जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम
राइटिंग रीडिंग आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, इशारों में बातें करते हैं, ये सब आप ही कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बींग। जानवर तो नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही आपकी ग्रो ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। सो इसकी ज़रूरत हमें शुरू से पड़ती है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, वो वहाँ पे टीचर ने क्या बोला घर आके बताता है, जब घर की बात जाके स्कूल में बताता है, दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। वहाँ तक पेरेंट्स ने उसे ये समझाया कि पढ़ो लिखो बोलो, पर क्या बोलो और कैसे बोलो, अब ये बच्चे के अंदर खुद के एटिकेट्स होते हैं जो वो सीखता अपने टीचर से है, अपने से है। बट एक स्टेज होती है, एक स्टेज लाइक स्कूल के बाद कॉलेज, आप वहाँ पे अपने आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ आप एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो सोशल नहीं होती है। जब आपको सोशल बनना पड़ता है, व्हेन यू कम फॉर द इंटरव्यू, जब आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करके, इफ़ यू आर नॉट गोइंग, अगर आप कोई प्रोफेशनल नहीं बन रहे हैं, आप सीधे जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तब आपको समझ आता है कि सामने वाला मुझसे पूछ रहा है, मैं इंटरव्यू देने बैठा, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एंड आई मुझे ये ही नहीं पता कि मुझे कौन से सीक्वेंस में इंट्रोडक्शन देनी है, मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे उसके सामने जाके बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन को इम्पॉर्टेंट समझा जाए, और इसे बहुत छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़े लेवल तक पहुँचा सकते हैं। ये कम्युनिकेशन वही है, इसके अंदर वही पावर है जो आपको लीडर बनाता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको मैनेजर बनाता है, अगर आप एक स्कूल में टीचर हो तो आपको प्रिंसिपल तक बना देता है ये। सो यू शुड, आपको ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताती हूँ जो हमारे इस सोसाइटी को, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शायद आप लोगों को ये बात बताऊं तो समझ भी आएगी। एक हम लोगों के यहाँ हमने देखा है अक्सर शादियाँ होती हैं बड़े धूमधाम से, बड़े प्यार से, अच्छे से, क्योंकि शादी से पहले जब लड़का लड़की मिलते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, दे ट्राई टू प्रेजेंट देयर बेस्ट, बहुत ही अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। पर जब वही बात आ जाती है, जब शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल में जाती है, या फिर लड़का भी कई बार अपने ससुराल को विजिट करता ही है, सो बिकॉज द डिफरेंस इज द गर्ल, जो लड़की है वो फुल टाइम के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आती है, कम्युनिकेशन समझिएगा यहाँ पे कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में जब लड़की उस घर में जाती है, कुछ टाइम बिताने के बाद फैमिली, जो उस घर, जो पूरी फैमिली है, मान लीजिए फैमिली में 5 मेंबर्स है और एक बेटे की शादी होती है 5 में से, मतलब माता पिता और 3 बच्चे जिसमें से एक बेटे की शादी होती है, तो लड़की उस घर की फैमिली के मेंबर्स बढ़ गए, 6 हो गए। अब ये 5, दीज 5 आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट उस नई लड़की का घर में आने के बाद उसके रहन सहन को, उसकी सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम होती है। और उस सेम दोनों के दूसरे के लिए भी होता है, व्हेन यू, जो दूसरी लड़की जब आई है उस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती उस सिचुएशन को। शी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो एक नई फैमिली में आई है, उसको यहाँ पर बहुत सी चीजें अडॉप्ट करनी है, दिस विल टेक टाइम। पर ये जो टाइम टेकिंग सिचुएशन है, इसमें क्या वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल सिचुएशन है, उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं? जो लोग करते हैं दे आर सक्सेसफुल इन देयर मैरिड लाइफ, जो नहीं करते हैं, आई डोंट हैव, मुझे उसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी ये अक्सर होता है। मेरा ये एग्जाम्पल उठाने का मकसद यही था कि वहां पे भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। इफ एवरीबडी सिट टुगेदर, अगर वो सारे परिवार के मेंबर एक साथ बैठ के और एक साथ बातचीत करें कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, उस परसेप्शन को निकाल दें कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं आप इस घर में आए हो तो आप एक्स वाई जेड करो, वो कहती है कि मैं इस घर में आई हूँ, मैं अपने घर में एक्स वाई जेड करती ही नहीं थी। सो इस सिचुएशन को हटाने के लिए सिट ऑन अ डाइनिंग टेबल, एक चाय के साथ आप एक जगह बैठिए, बातें कीजिए, कम्युनिकेशन मेक, एक दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए,
पॉजिटिव वे में। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ और कदम हो सकता है। इसके बाद मैं आपको और एक चीज और एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्चा जब पहली बार नर्सरी क्लास में पहली बार उसके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, बहुत रोता है, बिकॉज वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ करके स्कूल में आ गया, पता नहीं क्या है, नया सब कुछ, नया एनवायरनमेंट, नए बच्चे, नई टीचर। वो टीचर तो उसको पता ही नहीं होता कि वो टीचर है, उसे लगता है कि मॉम की जगह कोई और दिख रही है, माँ नहीं है, इतनी सारी बातें वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो पूरा टाइम रोता है। तो इनिशियली पेरेंट्स का जो फोकस होता है वो ये होता है कि पहले ये सिर्फ इंटरेस्ट आ जाए इसको स्कूल जाने में। स्कूल जाने के बाद, इंटरेस्ट आने के बाद, फिर वो उसको सिखाते हैं कि भैया पढ़ना लिखना सीखे। अच्छा, जब बच्चा उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, यस दिस इज समथिंग, ये एक ऐसी जगह है जहां मुझे रोज आना है, इस बात को मैं बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। फिर वो अपने अंदर चेंज लाता है, क्या मुझे इसके साथ बैठना है तो इसे दोस्ती करनी होगी। ठीक है, उसकी उस दोस्त की बहुत सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती जो वो घर आके टीचर्स पेरेंट्स को भी बताता है, उसके बाद टीचर को भी शिकायत लगाता है, लेकिन फिर बैठता उसी के साथ है। उसने एक्सेप्ट किया, फिर उसके साथ एडजस्ट भी किया, देन ही स्टार्ट टॉकिंग, वो बातें करना शुरू कर देता है, उसे बहुत सारी बातें समझ आने लगती है, उसे टीचर की डांट समझ आने लगती है, मतलब ही इज ऑन द राइट वे, ही अंडरस्टैंड, उसे सिचुएशन समझ आती है। और जब समझ आती है तो वो चेंजेबल चीजों को चेंज करेगा और उसके हिसाब से चलेगा। तो उसकी जो परसेप्शन थी कि ये पता नहीं क्या एक नई जगह है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले मेरे पेरेंट्स सबसे बड़े राक्षस नजर आते हैं उसको उस टाइम पे। तो धीरे धीरे वही समझ में आने लगता है कि नहीं, वो बहुत अच्छी जगह है, मुझे वहाँ दोस्त भी मिल रहे हैं, मुझे वहाँ एक्सपोजर भी मिल रहा है, मुझे मैं बातें भी करता हूँ, खेलता भी हूँ, लड़ता भी हूँ। सो दिस इज वॉट यू नो यू हैव टू, आप सब लोगों को ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन बहुत ही मजबूत कड़ी है जो हमारे हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ इस मंच पे भी मेरे ख्याल से ओम प्रकाश जी ने जो ये लैंग्वेज का शुरुआत किया था, लैंग्वेज की बात करते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि हमें लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं इसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से इस रिक्रूटमेंट और कंसल्टेंट और ट्रेनिंग के सेक्टर में हूँ, और उसके पहले भी मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 8-9 साल का, 10 साल का समझ लीजिए। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि आप जब सारी जो हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है ही, पर बहुत युवा देश है, जहाँ यहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक 18 साल से लेकर के एक 35 या 40 के बीच की जो जनरेशन है उसकी, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये जनरेशन अगर यंग है तो ऑब्वियसली ये वो जनरेशन है जो वो पॉपुलेशन है जो काम करती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर, देश डेवलपिंग क्यों है? देश डेवलपिंग इसलिए है क्योंकि हमारे पास उन जॉब्स को, वो जो नौकरियां मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको करने के लिए कॉम्पिटेंसी नहीं है। कॉम्पिटेंसी मतलब मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। अब मेरे पास 100 बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए आते हैं एक हफ्ते में, मैं उसमें से मुश्किल से 20 बच्चों को ही जॉब दिलवा पाती हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी स्किल्ड है, उनके पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास ऑलरेडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन, मतलब उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उनकी उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, या उनका एक्सपीरियंस, एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजन्स हैं। लेकिन जो मेजर रीजन आता है जहाँ पे मैंने कहा 20 बच्चों को हम एम्प्लॉय करवा पाते हैं, पर वो जो 80 बच्चे हैं, मेरा टेंशन उन 80 बच्चों का है क्योंकि मैंने एंटरटेन किया उन 80 बच्चों को, मैं बात की उनसे, मैंने, मुझे ये समझ में आया कि इनके पास एक ही तरह की कमी है, एक ही तरह
तरीके की कमी है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज का बच्चा आ गया या किसी भी स्टेट से आ गया, उसके पास एक ही तरह की प्रॉब्लम है, वो है कम्युनिकेशन। बीटेक करके आया है बट देन ही कांट इवन वो बैठ करके अपनी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में अपनी इंट्रोडक्शन दो, बट वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, वो नहीं है। प्लस और बाकी भी बातें तो हम बाद में करेंगे, अभी तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कम्युनिकेशन के बेसिस पे वो 80 बच्चे निकल के चले जाते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है, हमें समझ में आता है कि ये वो चंक है जिसके लिए हमें काम करना होगा, ये वो इंडिया है जो एक्चुअली में कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उस लायक ही नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोजिशन खाली रखती है, प्रोडक्शन कम करती है, पर इन बच्चों को हायर इसलिए नहीं करती क्योंकि इनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे को तो हायर करेगा नहीं, वो ट्रेन करना चाहेगा तो उसी बच्चों को ट्रेन करना चाहेगा जो वहां से कुछ थियोरेटिकल नॉलेज लेकर आए हैं। सो इस तरह की बहुत सारी एक दो प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। सो दैट्स माई प्रॉब्लम कि अगर हम कम्युनिकेशन के बेसिस पे उन 80 बच्चों को रिजेक्ट होते देख रहे हैं तो क्यों ना हम उन बच्चों के लिए काम करें, वो जो 80 मतलब आप 100 में से 80% निकल गए, 20% को हमने एम्प्लॉय करवाया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो 80% तो मेरे कैंडिडेट है ना, मैंने उनसे बात की है, मैं उन्हें लेकर आई हूँ, मैं उन्हें समझा रही हूँ, बट वो तो रिजेक्ट हो गए, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दे डोंट पोजेस, उनके पास वो कम्युनिकेशन की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। अगर उनके पास बोलने की, समझने की और अभिव्यक्ति की, जो संवाद करने की जो वो ताकत होती है या वो जो कला होती है, वो कला होती तो फिर मुझे शायद ये इतना कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उनको सिखाते हैं, किसी कोई 45 डेज में सीख जाता है, कोई 60 दिन भी लगा देता है, कोई 90 दिन भी लगा देता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जब आप एक्सेप्ट करोगे अपने आप को कि मुझे नहीं आता, आप अपने आप को समझाइए कि मुझे नहीं आता, तो अब क्या, अब ये कि मुझे सीखना है, कैसे वो टेक्निक्स, वो तरीका आप अपने आप समझिए। यू कैन कम टू अस, आप हमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, वी आर डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। पर आप पहल नहीं करोगे, आप समझोगे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसकी ज़रूरत को समझोगे ही नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे नहीं, तब तक दूसरा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब तकलीफ कहाँ होती है आप लोगों को, जब आप किसी सिचुएशन, अब आपके साथ, आप एक मान लीजिए आप एक स्कूल में, कॉलेज में, या कलीग आपका बहुत आगे निकल गया बिकॉज ही वॉज, वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा था, वो अपने काम में लगा हुआ था, वो अपने आप को पहचान गया और उसने अपनी कमियों पे काम किया और वो कहीं पहुंच गया अच्छे लेवल पे जहां आप पहुंचना चाहते थे। अब क्या होगा, जब आप उसे देखोगे तो सोचोगे कि यार वो तो हमारे साथ ही था, आज वो वहां पहुंच गया है, मैं यही हूं। अगर आप सोचते हो कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं या मैं भी वहां तक पहुंचूंगा, व्हाई नॉट, आई कैन डेफिनेटली डू इट, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो वो इंस्पिरेशन बनता है आपके लिए, आप एडमायर करते हो उसे, आपके अंदर वो जज्बा आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड इसे कहते हैं। लेकिन आप कहते हो हाँ मेरे साथ ही तो काम करता था, पता नहीं कैसे पहुंच गया होगा वहां तक, कुछ किया होगा उसने, यहाँ वहां ऐसे वैसे कुछ उल्टा सीधा करके वहां तक पहुंच गए, इतना आसान थोड़ी है वहां तक पहुंचना। दैट इज अ जेलसी। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत ही पतली रेखा आती है, आप किसी से इंस्पायर हो जाओ, किसी से प्रेरणा लो या किसी से जेलसी फील करो। सिमिलरली बहुत ही पतली रेखा आती है जब आप एक परसेप्शन बना करके बिना एक्सेप्ट किए सिचुएशन को, व्हेन यू किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हो और या फिर आप किसी को अलाउ करते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक ये सबसे अच्छा मंच है जहाँ पर हम एक दूसरे को, आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आपके सुझाव भी एक्सेप्टेड हैं, पर एटलीस्ट इस इम्पोर्टेंस को समझिए तो सही, इस पर काम करने की कोशिश तो कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। आपसे बड़ा कोई जज नहीं है इस दुनिया में और आपसे बड़ा कोई लॉयर नहीं है आपके लिए इस दुनिया में, आपको खुद का लॉयर बनना होगा और खुद के लिए जजमेंट करनी होगी और खुद का ट्रेनर बनना होगा,
तभी कोई आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो, अगर आप नहीं समझना चाहते हो, अगर आपने अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है, फिर कोई नहीं समझा सकता। सो आप जाइए, अकेले में बैठिए, बुक्स ले लीजिए, आईने के सामने बैठिए, टीवी के सामने बैठिए, कहीं भी जहां वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, सिट आइडल, थिंक ऑफ यूर सेल्फ, क्या कमियां हैं, कहाँ हैं, क्या कम्युनिकेशन की जरूरत है मुझे, नहीं है, अगर नहीं है तो आप अपने मालिक खुद, अगर है तो भी आप अपने मालिक खुद, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आप खुद के लॉयर हो और आप खुद के जज हो, तो आपको अपने आप से खुद के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने आप के लिए खुद जज बनना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, आई कैन डू दैट, क्यों नहीं सीख सकता यार, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, सो व्हाई कांट आई बी ओपन इनफ, मैं खुद को खोल क्यों नहीं सकता। गलत बोलोगे ना पहली बार में, अगर आप कोई भी बात बोलोगे, किसी भी कॉन्वर्सेशन में घुसोगे या किसी भी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो गलत बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ओपन रखते हो फॉर द फीडबैक, मैंने ये बोला है तो इसका फीडबैक क्या आ रहा है, अगर चार लोग, आठ लोगों में से या दस लोगों में से चार पांच लोगों ने बोला कि नहीं आपने बहुत अच्छा बोला, और तीन चार लोगों ने बोला कि थोड़ा सुधार कर लो, इसका मतलब वो जो तीन चार लोग थे वो एक्चुअल फीडबैक दे रहे हैं कि इसमें मुझे और चेंजेस करना चाहिए, मतलब मैं और अच्छा बोल सकता हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं। अभी तक तो लगता है आपको सब समझ में आ गया है, इसलिए आपको किसी आपके मतलब अभी तक किसी का सवाल नहीं आया तो आपको सब समझ आ गया, या तो समझ आती है या तो बिल्कुल समझ नहीं आती, तभी तो सवाल उठते हैं। तो आई डोंट थिंक ये है, फिर भी आप कभी भी अपने सवाल यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में, और इंतज़ार भी रहेगा। और ये जो कम्युनिकेशन पे जो हमारी चर्चा है ये अभी और चलेगी, अभी मेरे ख्याल से दो तीन सेशंस पे मैं इन्हीं इसी पे बात करूँगी। इनफैक्ट आप अपनी प्रॉब्लम, अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, लाइक यू फील शाय बात करने में या पब्लिकली बोलने में आपको शाय फील होता है, क्वेश्चन पूछने में भी अगर आपको शर्म आती है, तो आप मेरे मैसेंजर पर जाकर के यू कैन पुट इन द क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और आई थिंक दैट्स इट, आई कम अगेन विद द सिमिलर काइंड ऑफ और थोड़ा अच्छा और थोड़ी अच्छी स्टोरीज और थोड़ी अच्छी बातें लेकर के। मैंने इसकी इम्पोर्टेंस में बहुत ही ज़्यादा गहरी और सीरियस बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ, पर मुझे लगा कि अभी धीरे धीरे फर्स्ट लेट मी, पहले मुझे आपको और आपको मुझे समझना होगा कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं और मैं क्या डिलीवर करती हूँ। सो इसलिए मैंने इसे बहुत लाइट रखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको भी समझ आ जाए, और हम इसे धीरे 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 आई विल बी मेकिंग इट लिटिल मोर सीरियस एंड लिटिल मोर इंटरैक्टिव। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में अभी जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे भी समझ आती है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए, और मेरे ख्याल से आपको, आपके पास अभी नेक्स्ट सैटरडे तक पूरा टाइम है, मैं कोशिश करूँगी कि वेडनेसडे या थर्सडे फिर से वी कैन गो लाइव, सो दैट वी कैन हैव, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशंस हो, ताकि हम लैंग्वेजेस पे भी बात कर सकें। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम क्यों फोर्स करते हैं, या हम क्यों अपने आप को फोर्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज, कोई आपको फोर्स नहीं करता आप तमिल सीखो या तेलुगु सीखो या बंगाली सीखो, नो, बिकॉज इट्स नॉट अ बिजनेस लैंग्वेज, इट इज नो नो बिजनेस रिक्वायर्ड दिस, राइट। और हिंदी तो आप बचपन से सीख लेते हो, तो इसको कोई फोर्स नहीं करता आपको, लेकिन इंग्लिश क्यों फोर्स करता है, बिकॉज शायद ये बिजनेस लैंग्वेज है, और शायद आज कल कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, यू आस्क मी माई सेल्फ, कुछ ना कुछ हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे समझ आती हैं, मैं बोलती भी हूँ,
तो वो तो हमारे इंटरेस्ट पे है कि हम क्या सीखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बट दिस इज समथिंग, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट विषय है जो जो शायद बिजनेस के लिए या आगे अपने करियर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इस पे स्ट्रेस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़े हमारे साथ ताकि हम इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। सी यू नेक्स्ट वीक सैटरडे, सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम सेशन, सेम जो हमारा ये कम्युनिटी है यहाँ पे। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड इवनिंग टिल देन, बाय, टेक केयर।